नमस्कार, तुषार उप्रेती चैनल में आपका स्वागत है और यह है हमारा सेगमेंट क्रिकेट वाली बात। तो पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में क्या कुछ घट रहा है ये समझना बेहद मुश्किल हो गया है। मैं तो ये कहूंगा कि ये समझना बेहद नामुमकिन हो गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि टीम कौन चला रहा है, टीम क्या कप्तान चला रहा है, क्या उसका कोच चला रहा है, या BCCI चला रही है, या जिस तरह से कोच बदले जा रहे हैं अलग अलग सीरीज में उनको ब्रेक दिया जा रहा है, वो ब्रेक वाला कोच चला रहा है या भगवान चला रहा है। मुझे लगता है भगवान भरोसे ये टीम चल रही है, क्योंकि जिस तरह से ODI विश्व कप की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं, उस तरह से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भारत आने वाले समय में विश्व कप जीत पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या मुझे अपने देश से या क्रिकेट से प्रेम नहीं है? बहुत प्रेम है दोस्तों। तकरीबन हर मैच हम देखते हैं, पूरी उम्मीद से देखते हैं कि ICC के इस टूर्नामेंट में शायद हम जीतेंगे। पहले हम बायलैटरल सीरीज जीत रहे थे, फिर एक नया शगुफा निकल के आया, वो ये आया कि भाई इंडिया के पास इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं कि वो अपनी टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी या 1, 2, 3, 4 अलग अलग किस्म की टीम बना के अलग अलग देशों के साथ चाहें तो खेल सकते हैं। ऐसा बीच में शगुफा निकल के आया, फिर उसकी भी हवा निकल गई, क्योंकि श्रीलंका में जिस किस्म का प्रदर्शन हुआ भारतीय टीम ने, जिस तरह का प्रदर्शन किया, या अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड में जिस तरह से टीम हारी, एक ही ODI हुआ हालांकि पूरा, और उसमें भी जो हार थी वो भारत को थमा दी न्यूजीलैंड ने, और जो अंतिम मैच था जो 18 ओवर तक ही पहुंच पाया था, अगर 2 ओवर और हो जाते तो डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से भारत को वहां भी शर्मनाक हार थमाई जाती। अब होने वाला है बांग्लादेश का दौरा, ये दौरा शुरू हो रहा है, और इसमें आप टीम को देखिए तो आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे बल्कि आपको समझ कुछ नहीं आएगा। पहले तो बात उस चीज़ की जो इसका सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है या जिस पे अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में शशि थरूर साहब ने भी कह दिया कि भैया हमारी भी बात सुन लीजिए, और उनको कुछ लोगों ने कह दिया कि भैया आपकी बात क्यों सुने, क्योंकि आपके प्रदेश से वो खिलाड़ी आता है। जी हाँ, हमने बात की है यहाँ पे संजू सैमसन की। ODI में मौका मिला, कुछ 30 से ज़्यादा रन का उन्होंने स्कोर बनाया। दूसरे ODI में मौका नहीं मिला, हालांकि वो हुआ भी नहीं पूरा। फिर तीसरे ODI में भी मौका नहीं मिला, तो उनको लेके क्या सोच चल रही है समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ है ऋषभ पंत, जिनका ODI हो या फिर T20 हो, प्रदर्शन जो है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, और सोशल मीडिया पे अपने गिरते हुए प्रदर्शन, अपने किए गए कमेंट्स, अपने गुस्से, अपने बढ़ते हुए वजन, इन तमाम गलत चीज़ों की वजह से वो लाइमलाइट में आ रहे हैं। खिलाड़ी बेहद कद्दावर हैं, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में घट रहा है। अब नजर डालते हैं बांग्लादेश की उस टीम पर, मतलब यानी कि भारत की उस टीम पर जिसे बांग्लादेश दौरे के लिए चुना गया है। तो वहां पे जो टीम चुनी गई है, मैं पढ़ के आपको समझा दूं कि क्या है और कैसे ये अलग है उस टीम से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई थी, या जो न्यूजीलैंड के साथ जब कप्तान बनाए गए थे शिखर धवन साहब, तो कैसे ये टीम पूरी तरह से अलग है। आपको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही हंसी आएगी और ऐसा लगेगा कि प्रदर्शन के नाम पर IPL से खिलाड़ी एक्सट्रैक्ट करके तो लाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो उनको पूरा पूरा मौका मिल पा रहा है और ना ही पूरा पूरा एक्सपोजर मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो DTC बस होती थी ना, उसे भर के भारतीय टीम अपने साथ घुमाई जा रही है, जिसमें खिलाड़ी तो बहुत हैं लेकिन मैच विनर तलाशना बेहद मुश्किल हो गया है। तो वो टीम क्या, मैं आपको एक जल्दी से पढ़कर बता दूं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा, KL राहुल, इनकी वापसी हो रही है टीम में, ये नहीं थे न्यूजीलैंड दौरे पर। फिर शिखर धवन, जो जल्द ही जुड़ेंगे बांग्लादेश में टीम के साथ। विराट कोहली, इनकी भी वापसी हो रही है, ये भी नहीं थे न्यूजीलैंड में। रजत पाटीदार, अब रजत पाटीदार का नाम कैसे आया, क्यों आया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा प्रदर्शन था IPL में, डोमेस्टिक सीजन भी ठीक ठाक रहा है इनका, लेकिन एकदम से कैसे नाम आया। फिर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का ODI करियर बेहतर होता जा रहा है, न्यूजीलैंड में जो मैच उन्होंने खेले वहां दिखाया कि अर्धशतक बनाने में तो वो एक तरह से चैंपियन खिलाड़ी साबित हुए जा रहे हैं। यानी कि श्रेयस अय्यर को साथ ले जाना, या उनको साथ ढोना, मैं कहूंगा ढोना इसलिए क्योंकि खिलाड़ी ये बहुत अच्छा है, लेकिन मौके इसे भी सब फॉर्मेट्स में पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। तो ये एक मजबूरी बन गई है कि जो खिलाड़ी वापस आए, खासतौर से रोहित शर्मा, KL राहुल, जो फॉर्म से ज्यादा जीत रहे हैं, और इस सीरीज में क्योंकि सूर्य कुमार यादव नहीं होने वाले हैं, तो उस वजह से श्रेयस अय्यर का, यानी कि इनफॉर्म खिलाड़ी का, ODI में वहां होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
इसके बाद नाम आता है राहुल त्रिपाठी का, ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर, फिर नाम आता है शहबाज अहमद का, अक्षर पटेल जिनका T20 वर्ल्ड कप बहुत खराब गया था और ऐसा लगा था कि दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं, तो वो जो ऑलराउंडिंग खिलाड़ी जो तलाशने की कोशिश रहती है तो वहाँ पे अक्षर पटेल को फिट किया गया है और उनके साथ रखा गया है वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को। तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, इन दोनों की जगह मुझे ऐसा लगता है तभी बनती है जब हार्दिक पांड्या ना हो, और बांग्लादेश वाले इस ODI स्क्वाड में हार्दिक पांड्या क्योंकि नहीं खेलेंगे तो ये दोनों का नाम सामने आना बनता है। खास तौर से वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है न्यूजीलैंड पे और उन्होंने बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है। वहीं अक्षर पटेल की बात करें तो T20 विश्व कप बहुत ही खराब गया था। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर और कुलदीप सेन, अब यहाँ से एक नाम और गायब हो गया है, उस नाम का, वो नाम आप समझ गए होंगे, वो है हमारे रफ्तार के सौदागर यानी कि उमरान मलिक। अब उमरान मलिक को लेके भी क्या सोच है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उनको T20 या मैं ये कहूँगा अगर ODI में हाल फिलहाल में मौका दिया गया था कि क्या उसको तैयार किया जा रहा है, क्या उसे पकाया जा रहा है कि आने वाले समय में जितने भी ODI होने वाले हैं भारत में या भारत के बाहर, जहां ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और दूसरी भी कई टीमों के साथ भारत को खेलना है, तो वहां क्या उसको टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि युवा खिलाड़ी है, बांग्लादेश के दौरे में तो उनका नाम नहीं आया है। अब दूसरा एक और सवाल मेरा ये, टेस्ट स्क्वाड की अगर बात करूं तो वहां पे उमेश यादव है और कुलदीप यादव हैं, और कुलदीप यादव को इससे पहले न्यूजीलैंड भी ले जाया गया था लेकिन उन्हें वहां भी कोई मौका नहीं मिला था। तो ये बड़ी गड़मट सी टीम है, समझ नहीं आ रहा है कि किस राह पे ये चलना चाह रही है, कौन इसको चला रहा है। अगर आपके पल्ले ये बात पड़ रही हो और आपको ये लग रहा हो कि भाई अब इसमें से टीम कैसे चुनी जाएगी, या विश्व कप की अगर आप टीम बनाने की आज सोचते हैं तो बड़ा ही अटपटा सा चीजें आपको दिखेंगी, और जिसमें 7 या 8 खिलाड़ी तो आपको वही मिलेंगे जो 2019 के विश्व कप में भी थे। तो अगर सारे खिलाड़ियों पे एक बार मैं नजर डालूं, उनके नाम पढ़ दूं, तो अभी इसमें से नदारद है भुवनेश्वर कुमार का नाम, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कल को फिर से भुवनेश्वर कुमार का नाम भी आ जाए ODI टीम में, कुछ भी हो सकता है। भारतीय क्रिकेट में जिस तरह से लगातार 2 बड़े बड़े ICC T20 विश्व कप हमने हारे हैं, और वो जो आखिरी हार हमें थमाई गई है वो इंग्लैंड के खिलाफ पूरे के पूरे 10 विकेट से, और उससे पहले साल में पाकिस्तान ने हमको पूरे के पूरे उसी तरह से 10 विकेट से हार थमाई थी, तो वो बहुत चुभने वाली है। तो समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो ODI तक अगर सारे खिलाड़ी फिट हो जाएंगे और जिस तरह से खिलाड़ी अंदर बाहर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है तो लिस्ट जो है वो कुछ कुछ आपको अटपटी सी ऐसी बनती हुई नजर आएगी। भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली वापस आएंगे, ODI में टीम उनसे दूर नहीं रहना चाहेगी, उस स्तर का गेंदबाज भारत के पास वैसे भी नहीं है, और खास तौर से डेथ ओवर में या शुरुआत में विकेट लेने की जो काबिलियत उनके पास है वो नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह क्योंकि अभी फिट नहीं है, इस सीरीज में नहीं है, हालांकि ये खबरें आई थी कि उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका नाम अभी भी नदारद है, तो वो ODI विश्व कप के लिहाज से भारत के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं। दूसरा नाम, रविंद्र जडेजा की भी वापसी होगी, इस टेस्ट स्क्वाड में नाम था बांग्लादेश वाली सीरीज में, लेकिन अभी भी फिटनेस का लेवल या फिट वो पूरी तरह से नहीं हुए, तो वो भी वापस आएंगे। हार्दिक पांड्या वापस आएंगे जो कि न्यूजीलैंड के ODI में नहीं थे और 100% भारतीय टीम उनको लेके जाना चाहेगी विश्व कप में जो होने वाला है इसके बाद, या जिसको लेके मैं ये कहूं कि पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। तो हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड की ODI में भी नहीं थे, बांग्लादेश में जो होने वाला है उसमें भी नहीं है। विराट कोहली डेफिनेटली रहेंगे जो बीच में एक सीरीज खेल रहे हैं, एक सीरीज में ब्रेक ले रहे हैं। रोहित शर्मा भी जो एक सीरीज खेलते हैं फिर कोई ODI में दूसरा कप्तान होता है। अब मुझे लगता है क्योंकि T20 थोड़े कम होंगे, ODI का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, तो रोहित शर्मा ही आपको कप्तान दिखेंगे। KL राहुल जिनके सर पे थोड़ी सी तलवार झूलती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि बड़े मैचों में इन्होंने निराश किया है, बहुत खराब प्रदर्शन किया है। सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली भारतीय टीम चाहेगी कि उसकी ODI टीम का हिस्सा रहें।
श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन का बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, उनको लेके भविष्य में क्या सोच है। अगर उन्हें एक टूर्नामेंट में आप एक मैच में खिलाएंगे और फिर बाहर बता देंगे दो या तीन टूर्नामेंट में, और वे इंतज़ार करेंगे कि बड़े खिलाड़ी जब रेस्ट लें तो फिर हम संजू को लेके आएं, तो उनको लेके क्या सोच है, बिल्कुल इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण कहीं से भी आता हुआ नहीं दिखाया जा रहा। हालाँकि फिलहाल ऋषभ पंत का जो फॉर्म है वो एक प्लस हो सकता है संजू सैमसन के उस भविष्य के लिए, कि अगर ऋषभ पंत इसी तरह से खेलते रहे या इसी तरह से फ्लॉप होते रहे तो जल्दी आप इस टीम में ऋषभ पंत की जगह ओडीआई की टीम में उनको देख सकते हैं। गेंदबाजों में चहल और कुलदीप यादव, हालांकि युजवेंद्र चहल ये जो बांग्लादेश टीम जा रही है इसमें वो नहीं है, उनको क्या सोच के ब्रेक दिया गया है इस बात की कल्पना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों भाई लेग स्पिनर अगर हैं जो कि विश्व के सारे लेग स्पिनर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो युजवेंद्र चहल को क्यों ब्रेक दे दिया गया है। दूसरा अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि गेंदबाजी करते हैं और स्पिन करते हैं तो वो हैं, और कुलदीप यादव नहीं है जो कि टेस्ट टीम में तो हैं लेकिन इस ओडीआई टीम में नहीं है तो वो भी नदारद है, लेकिन ये भी आपको ओडीआई में देखेंगे। इसके बाद उमरान मलिक का क्या होगा, भगवान जानता है उनका क्या होगा, वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पोस्ट पे हावी रहेंगे कि 150 किलोमीटर की स्पीड पे की या वाकई में वो हमको 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए निकट भविष्य में नजर आएंगे, और अगर आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो युवा हैं तो इस टीम के साथ उनको होना चाहिए था। आपकी क्या राय है इस पे आप जरूर चर्चा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद अर्शदीप सिंह, अब इस पूरी टीम में अर्शदीप को ब्रेक दे दिया गया, यानी कि बांग्लादेश की सीरीज में अर्शदीप भी आपको नजर नहीं आएंगे। इसमें दीपक चहर हैं, कुलदीप सेन को मौका क्योंकि मिल गया है, मोहम्मद शमी हैं और मोहम्मद सिराज हैं, तो अर्शदीप का पत्ता यहां से इस सीरीज से कट गया है। हो सकता है वो जो बात चलती है और वो जो कहते हैं ना वर्कलोड मैनेजमेंट, तो वो युवा लोगों को वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। जब T20 आता है या मैं यूँ कहूँ कि जब IPL आएगा तो आप इन सारे खिलाड़ियों को अपने अपने फ्रेंचाइज से लगातार मैच खेलते हुए देखेंगे, लेकिन जहाँ पर भी देश की बात आती है वहाँ पे सारे के सारे खिलाड़ियों के सामने एक नया शब्द आ जाता है, वो है वर्कलोड मैनेजमेंट। तो ये इस तरह से, इसके अलावा रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, शहबाज अहमद क्योंकि नाम आ गया, अक्षर पटेल और आपको पता ही है कुलदीप सेन को क्योंकि मौका मिला है, तो ये सारे खिलाड़ियों की जो खिचड़ी है ये तो बना ली गई है क्योंकि बांग्लादेश को भारत एक कमजोर टीम की तरह आंकता है। भले ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन सच बात यह है कि बांग्लादेश का प्रदर्शन जैसा खराब रहा है उस हिसाब से भारतीय टीम को ऐसा लग रहा है कि जमकर यहाँ एक्सपेरिमेंट करने को मिले, लेकिन वो अंतिम 11 क्या होंगे उसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा। और इन तमाम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जिसका पत्ता इस T20 विश्व कप के बाद से कट गया है वो है हमारे DK यानी कि दिनेश कार्तिक। वो इस तरह से पूरी तरह से इस पूरी टीम और चर्चाओं से बाहर है। मुझे बात समझ में ये नहीं आती है कि ODI के लिए, अगर वो जो कप्तानों की बातें चल रही कि ODI के लिए कप्तान होना चाहिए, टेस्ट के लिए कप्तान होना चाहिए, T20 के लिए कप्तान होना चाहिए, कोच अलग अलग होने चाहिए, टेम्परामेंट अलग अलग होना चाहिए, खेलने का स्तर अलग होना चाहिए, खेलने की टेम्पलेट अलग होनी चाहिए, ये सारे शब्द सोशल मीडिया पे या वीडियोस पर चल रहे हैं, तो बांग्लादेश जैसी सीरीज जहाँ का जो माहौल है वो भारत जैसा ही रहता है, आप अपने प्रमुख गेंदबाजों जिसमें मैं उमरान मलिक और अर्शदीप को भी शामिल करूँगा उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे क्यों दरकिनार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले दिनों एक घटना और घटी, वो घटना ये थी कि एक तरफ जो सेलेक्टर थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया T20 विश्व कप में जैसे ही हार हुई और बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए गए। तो बहुत से सवाल हैं जो अभी भी उलझे हुए हैं, क्या होगी भारत की वो फाइनल 11 जो विश्व कप में खेलेगी। थोड़ा सा अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जल्दबाजी है क्योंकि विश्व कप बहुत ही जल्दी है, यानी कि नेक्स्ट आप 8 या 9 महीने के बाद देखेंगे जब नया साल शुरू होगा, और आपको पता ही है कि जनवरी फरवरी के महीने बड़ी तेजी से निकलते हैं, तो विश्व कप आ जाएगा और तब भी हम खिलाड़ियों की प्लेसेस को लेके ऐसे ही
लड़ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक हार्श फैसला किया गया था कि विराट कोहली को हटा दिया गया था बतौर कप्तान, तो अब ये भी देखना है कि ओडीआई के विश्व कप में क्या रोहित शर्मा ही कप्तान रहने वाले हैं जिस किस्म का फॉर्म लेके वो चल रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि वहाँ भी कुछ फेरबदल हमको देखने को मिलेंगे। तो कुछ सवाल जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भविष्य और समय ही उसका जवाब दे सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं हूं तुषार उप्रेती, ये है क्रिकेट वाली बात। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।